Children, welcome to EVS class. Students, in this video I will explain lesson number 1, our food. So food is our basic need. हमारी basic need है food. You need food every day. आपको हर दिन जो है वो खाना है to live. You need food to get energy. आपको energy के लिए food खाना है to grow, बड़ा होने के लिए, and to help your body remain healthy by fighting diseases. और अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए और हमारी बॉडी जो है वो बीमारियों से लड़ने के लिए जो है वो फूड हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. डिफरेंट फूड्स हैव डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स. देखिए, अलग अलग फूड में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं. न्यूट्रिएंट्स मीन्स पोषक, मीन्स आर द एसेंशियल फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द ह्यूमन बॉडी. अगर हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे तो क्या होगा, हमारी बॉडी जो होगी वीक हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी और बहुत सारी बीमारियां हमें लग सकती हैं. तो हमें क्या है, अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए हमें क्या चाहिए, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स चाहिए. सम न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड एनर्जी, कुछ न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो हमें एनर्जी देते हैं. अदर्स हेल्प यू टू ग्रो. और कुछ न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो हमें ग्रो करते हैं, मीन्स हमारी बॉडी को ग्रो करते हैं, हम बड़े होते हैं. सम अदर न्यूट्रिएंट्स हेल्प टू फाइट डिसीजेज. और कुछ न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो हमें बीमारियों से लड़ने की ताकत देते हैं. सो देयर आर 6 मेन न्यूट्रिएंट्स फाउंड इन फूड्स. देखिए, 6 मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं खाने में, प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर. सो नंबर 1 इज प्रोटीन्स. देखिए, प्रोटीन्स से हमें क्या मिलता है, प्रोटीन्स आर न्यूट्रिएंट्स. प्रोटीन एक तरीके का पोषक है, मींस एक ऐसा एसेंशियल है कि वो हमारी बॉडी में जब जाता है तो हमें उससे क्या मिलता है. देखिए, बॉडी बिल्डिंग फूड है, हमारी बॉडी को बड़ा करता है. डैट हेल्प यू बॉडी इन मेकिंग न्यू सेल्स, जिससे हमारी बॉडी में जो है वो न्यू सेल्स बनती हैं. एंड योर बॉडी नीड्स न्यू सेल टू ग्रो. और देखिए, हमारी बॉडी में न्यू सेल्स बनेंगी तो वो हमारी ग्रोइंग में हमारी हेल्प करेगा. एंड दैट इज़ व्हाई प्रोटीन्स आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड. इसलिए प्रोटीन कैसे होते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड. ठीक है, आपकी बॉडी को बड़ा करते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड है. एंड चिल्ड्रन नीड लॉट्स ऑफ प्रोटीन टू ग्रो. और बच्चों को बहुत सारे प्रोटीन की ज़रूरत होती है बड़ा होने के लिए. अब देखिए, हमें प्रोटीन कौन कौन सी चीज़ों से मिलता है. एग से मिलता है हमें प्रोटीन, है फिश, मीट, पल्सेस, दालों से मिलता है हमें प्रोटीन, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स. और मिल्क प्रोडक्ट्स से हमें प्रोटीन मिलता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की. देखिए, शुगर्स एंड स्टार्च आर कार्बोहाइड्रेट. जितनी भी सारी चीज़ें जिसमें शुगर होता है, स्टार्च होता है, ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं. दीज आर न्यूट्रिएंट्स दैट गिव यू क्विक एनर्जी. दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड. ये कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलता है, क्विक एनर्जी मिलती है. और इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, एनर्जी गिविंग फूड. मीन्स हमें इससे एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है, एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स है. चिल्ड्रन हु प्ले अ लॉट, जो बच्चे बहुत ज़्यादा खेलते हैं. एंड पीपल हु डू फिजिकल लेबर, जो फिजिकल लेबर करते हैं, भाग दौड़ी करते हैं, खेलना कूदना, नीड अ लॉट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. उनको बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत होती है. फूड कंटेनिंग शुगर, इससे बहुत सारी चीज़ों में शुगर होती है. जैसे हमें कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे पोटैटो से मिलता है, हम पोटैटो लिख सकते हैं. और हम यहाँ पर लिख सकते हैं ब्रेड, ठीक है, राइस, ये सारी चीज़ों से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं फैट्स की. देखिए, फैट्स की बात करते हैं, यहाँ पर लिखा है एनर्जी गिविंग फूड्स. फैट्स आर न्यूट्रिएंट्स दैट गिव योर बॉडी एनर्जी टू स्टोर. फैट से हमारी बॉडी को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है. एंड योर बॉडी यूजेस द स्टोर्ड फैट फॉर एनर्जी इफ इट डज नॉट गेट इनफ फूड. और फैट जो है वो, तो जो फैट है वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है, ठीक है. और अगर हमें कभी खाना नहीं मिलता है तो हमें क्या मिलता है, उस फैट से हमें एनर्जी मिलती है. फैट ऑल्सो हेल्प टू कीप यू वार्म. और फैट जो है वो हमें वार्म रखता है. योर बॉडी ऑल्सो मेक्स इट्स ओन फूड फ्रॉम द फूड्स दैट यू ईट. और जो भी आप खाना खाते हो उससे भी आपकी बॉडी जो है वो फैट बढ़ाती है. योर बॉडी डज नॉट रिक्वायर टू मच फैट टू बी हेल्दी. और अगर आप अपनी बॉडी को आपको हेल्दी रखना है तो आपको ज़्यादा फैट नहीं खाना है. ज़्यादा फैट खाने से क्या होगा, आपकी बॉडी अनहेल्दी हो जाएगी.
ईटिंग टू मच फैट विल मेक योर बॉडी फैट, और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा फैट्स लोगे, जो चिकनी चीज़ें हैं वो खाओगे, तो क्या होगा, आप मोटे हो जाओगे, आपकी बॉडी जो है वो फैट हो जाएगी. इट कैन ऑल्सो कॉज डिसीजेज ऑफ द हार्ट वैन यू बिकम ओल्डर, और जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे, ओल्डर हो जाओगे, बूढ़े हो जाओगे, तो क्या होगा, आपको हार्ट की डिसीज होने का भी खतरा रहता है ज़्यादा फैट खाने से. तो फैट्स आर ऑल्सो एनर्जी गिविंग फूड्स, ठीक है, एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स, फैट से हमें एनर्जी मिलती है, एनर्जी गिविंग फूड्स हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं वाइटामिन्स. देखिए वाइटामिन्स आर अ ग्रुप ऑफ न्यूट्रिएंट्स. वाइटामिन्स क्या है, ग्रुप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दैट योर बॉडी नीड्स फॉर गुड हेल्थ एंड प्रॉपर ग्रोथ, जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है फॉर गुड हेल्थ एंड प्रॉपर ग्रोथ, जिससे हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ रहती है. ओनली अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ईच विटामिन इज रिक्वायर्ड, और हमें बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में विटामिन की ज़रूरत होती है, और विटामिन हमें जितने भी फ्रेश फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, इन सारी चीज़ों से हमें विटामिन मिलता है. बट इफ़ द बॉडी डज नॉट गेट एनी विटामिन इन प्रॉपर क्वांटिटी, अगर हमारी बॉडी जो है प्रॉपर क्वांटिटी में विटामिन नहीं लेती है, इट कैन कॉज डेंजरस डिसीजेज, तो उससे बहुत बड़ी बीमारियां भी बन सकती हैं. अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं विटामिन ए, तो गुड फॉर आई साइट, अगर हम विटामिन ए लेते हैं तो हमारी आंखें जो हैं वो अच्छी रहती है. जैसे हम एग खाते हैं या फिर फिश खाते हैं, तो इन सारी चीज़ों में विटामिन ए होता है, तो हमारी आई साइट जो अच्छी रहती है. देखिए विटामिन बी की अगर हम बात करते हैं, गुड फॉर हेल्थ एंड नर्व्स, विटामिन ए जो है वो हमारी हेल्थ के लिए, हार्ट के लिए और नर्व्स के लिए अच्छा रहता है, जैसे ब्रेड वगैरह अगर हम लेते हैं. फिर विटामिन सी की बात करते हैं, विटामिन सी गुड फॉर स्किन बोन्स टीथ एंड गम्स, तो जैसे जितने भी खट्टी चीज़ें होती हैं, जैसे ऑरेंज है, ये सारी चीज़ें लेते हैं, हमारी स्किन बोन टीथ और गम्स जो हैं वो स्ट्रांग रहते हैं. विटामिन डी गुड फॉर बोन्स एंड टीथ, ठीक है, दूध पियेंगे इससे हमें विटामिन डी मिलेगा, हमारी जो हड्डियाँ हैं वो मजबूत रहेंगी, ठीक है. नेक्स्ट मिनरल्स, दीज आर ऑल्सो न्यूट्रिएंट्स डैट योर बॉडी रिक्वायर्स इन स्मॉल क्वान्टिटीज टू रिमेन हेल्दी. देखिए मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक होते हैं, जो हमारी बॉडी को स्मॉल क्वान्टिटी में चाहिए होते हैं, मतलब थोड़ी मात्रा में हमारी बॉडी को मिनरल्स भी चाहिए होते हैं, जिससे हमारी बॉडी जो है वो कैसे रहे, हेल्दी रहे. सम मिनरल्स ऑल्सो हेल्प टू बिल्ड बॉडी पार्ट्स, और जो हमारे बॉडी के पार्ट हैं वो हम मिनरल्स लेते हैं तो हमारी बॉडी के पार्ट जो बढ़ते हैं. अब देखिए विटामिन्स और मिनरल्स, हमने दोनों पढ़े, विटामिन्स और मिनरल्स जो हैं ये दोनों कैसे फूड हैं, प्रोटेक्टिव फूड, जो हमें किससे बचाते हैं, बीमारियों से. अगर हम पर्याप्त मात्रा में विटामिन्स और मिनरल्स लेते हैं तो क्या होता है, हमारी बॉडी जो है वो डिसीजेस से लड़ सकती है, फाइट कर सकती है. इसलिए कैसे फूड कहलाए जाते हैं, प्रोटेक्टिव फूड्स कहलाए जाते हैं. ओके, जैसे हम यहाँ पे बनाना ले सकते हैं, मिल्क ले सकते हैं, पालक, और हम अपने ब्लड के लिए हम आयरन ले सकते हैं जो हमें एप्पल से मिलता है. तो ये सारे जितने भी हैं वो मिनरल्स में आ जाते हैं. अब देखिए नेक्स्ट हम वाटर की बात करते हैं. वाटर मेक्स अप मोर देन हाफ ऑफ योर बॉडी वेट. देखिए हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा पानी होता है, एंड हमारी बॉडी का जो आधे ज़्यादा वेट है उसमें पानी होता है. एंड वाटर हेल्प्स टू डाइजेस्ट फूड एंड गेट रिड ऑफ वेस्ट. और वाटर हमारी किस लिए हेल्प करता है, हमारे खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, उसको पचाने के लिए जो है वो वाटर हेल्पफुल है. एंड गेट रिड ऑफ वेस्ट, और हम अपने उससे जो हमारी बॉडी का वेस्ट है वो भी हेल्पफुल है हमारे लिए. अब अपनी बॉडी को वेस्ट को जो है वो ईजिली कैसे रिड ऑफ कर सकते हैं. और इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मैनी अदर एक्टिविटीज़ गोइंग ऑन इन योर बॉडी. जितने भी आपकी बॉडी में एक्टिविटीज़ होती हैं उसके लिए भी वाटर जो है वो बहुत हेल्पफुल है. ओके, तो यहाँ पर देखिए ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर टू स्टे हेल्दी. हमें अपने आप को स्टे हेल्दी रखने के लिए, फिट रखने के लिए हमें 6 to 8 ग्लासेस पानी पीना चाहिए डेली, और हमें अदर लिक्विड्स भी लेने चाहिए अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए. तो ये सारे हमने 6 न्यूट्रिएंट्स की बात करी है यहाँ पे, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर. अब हम बात करते हैं यहाँ पर बैलेंस्ड डाइट की. देखिए बैलेंस्ड डाइट की बात करते हैं यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर बैलेंस्ड डाइट का मीनिंग क्या, योर डाइट इज द फूड दैट यू ईट फॉर गुड हेल्थ. जो भी आप खाना खाते हो, डाइट क्या है, आपका फूड है दैट यू ईट फॉर गुड हेल्थ, जिसे आप अपनी अच्छी हेल्थ के लिए खाते हो,
योर डाइट मस्ट हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स. और जो आपका खाना होता है, जो आप सुबह दोपहर शाम ब्रेकफास्ट लंच डिनर करते हो, तो उसमें क्या है, आपके सारे ही न्यूट्रिएंट्स होना बहुत ज़रूरी है. डैट योर बॉडी नीड्स इन प्रॉपर क्वांटिटीज़. और सभी प्रॉपर क्वांटिटीज़ में, ऐसे नहीं है कि आप सारी न्यूट्रिएंट्स वाली चीज़ें खाते जा रहे हो. कार्बोहाइड्रेट्स से मिलता है वो कुछ ले नहीं रहे हो, विटामिन्स की चीज़ें कोई भी नहीं ले रहे हो, आप मिनरल्स नहीं ले रहे हो, सिर्फ प्रोटीन लेते जा रहे हो. तो ऐसा नहीं करना है. आपको जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, 6 न्यूट्रिएंट, वो आपको प्रॉपर क्वांटिटीज़ में लेना है. दिस इज़ कॉल्ड अ बैलेंस्ड डाइट. और ये एक बैलेंस्ड डाइट है बिकॉज डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हेल्प द बॉडी इन डिफरेंट वेज. जितने भी न्यूट्रिएंट्स आप लेते हो वो अलग अलग तरीके से आपकी बॉडी में क्या करते हैं, वो हेल्प करते हैं. आपकी एनर्जी गिविंग फूड्स होते हैं बहुत सारे, जो आपको एनर्जी देते हैं टू वर्क, प्ले एंड थिंक. और बॉडी बिल्डिंग फूड हैं जो आपकी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करते हैं. या फिर प्रोटेक्टिव फूड्स की अगर हम बात करते हैं तो वो आपको बीमारियों से बचाते हैं, जैसे फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स. सो स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज़ कम्प्लीटेड. गो थ्रू एंड रिवाइज इट. आई विल गिव यू द वर्कशीट ऑफ दिस चैप्टर.